वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा प्रमोशन कर लेता हूँ अपने सेकंड चैनल का। वहाँ पर मैंने बहुत ही फनी ओमिकल वीडियो डाली जो कि बहुत ज्यादा फनी है, तो मैं देख के बहुत मजा आएगा। तो प्लीज जाके चेक करना, नीचे लिंक तुम्हें मिल जाएगा और सब्सक्राइब कर देना। और चैनल को एक छोटा सा बच्चा तो तुम सपोर्ट करोगे तो बड़ा होगा वो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब हो गया मेरा प्रमोशन। कलर्स टीवी, वन ऑफ द डेडलीस्ट इंडियन टीवी चैनल राइट नाउ। इस चैनल ने हमारे ऊपर पता नहीं कितने भयंकर भयंकर परमाणु बम फेंके हैं, जैसे कि बालिका वधू, नागिन, उत्तरण, और हाँ, इनके सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र को कैसे भूल सकते हैं, ससुराल सिमर का। इसका तो ये साले पार्ट टू भी लेके आ रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। मगर आज हम लोग बात करने वाले नागिन 6 के बारे में। मेरे पिछले वाले नागिन 6 के रोज के अंदर मैंने एपिसोड 1 के सिर्फ 10 मिनट कवर किए थे, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था उस टाइम पे। और भाई एक वीडियो के अंदर कितना जहर सहन करूं यार मैं, थोड़ा सा तो मेरे पे भी रहम करो यार। और जो इंसान बहुत हल्के में ले रहा है कि भाई नागिन 6 क्या होगा यार, नॉर्मल सा टीवी शो होगा, तो भाई सुन लो, नागिन 6 दुनिया का पहला सा टीवी शो होगा जो कि तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देगा कि भाई इतनी महंगी महंगी डिजाइनर साड़ियां, डिजाइनर कुर्ते, अरे भाई साहब यहाँ तक कि महंगे महंगे गहने तोने की रेट तुम जानते हो कितनी हो रही है। मगर इन सांप नेवले गेंडे चीलों के पास महंगे महंगे गहने कहाँ से आते हैं बे? अरे भाई इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स देते हैं यार ये लोग मिडिल क्लास लोगों को। मतलब तुम इमेजिन करो यार, एक गरीब पति बेचारा हफ्ते में एक बार दारू पीने के लिए पैसे बचा रहा हो और फिर उसकी बीवी आके उसे ये कहे, सुनो क्या है, मेरे को नई साड़ी चाहिए वो नागिन 6 वाली। अगले हफ्ते किट्टी पार्टी तो मैं वहाँ पहन के जाऊंगी, तो मेरे को नई साड़ी चाहिए नागिन वाली। अरे अभी तो दिलाई थी तेरे को पिछले हफ्ते, अरे हफ्ते तेरे को नई नई साड़ी चाहिए, कोई साड़ी वाड़ी नहीं मिलेगी, चले जा। हाँ वो तो पुरानी हो गई ना, अभी कितने टाइम हो गया उसको, पुरानी हो गई। ये टी शर्ट देख रही हूँ मैं, 5 साल से पहन रहा हूँ मैं, पुरानी हो गई, पिछले हफ्ते ली थी तेरी, पुरानी हो गई, मैं 5 साल से पहन रहा हूँ टी शर्ट, नई टी शर्ट नहीं ली मैंने आज तक। मेरे को नहीं मालूम, मेरे को साड़ी चाहिए, अगर साड़ी नहीं मिली तो अगले हफ्ते तुम घर से बाहर निकल जाना, घर में आने की कोई जरूरत नहीं मेरे। 2 महीने से दारू नहीं पी मैं, 2 महीने से दारू को हाथ नहीं लगाया, इस महीने बचाए भी थे पैसे की, इस हफ्ते पीऊंगा मैं। तू सारे पैसे घर बर्बाद कर देती यार मेरे। दारू पीने इनको घर पे जो हमारा नहीं दिख रहा, इनको दारू पीने, साड़ी लेके आना मेरे लिए, नाटक नहीं करना दादा मेरे सामने, मेरे को साड़ी चाहिए नागिन 6 वाली पहनूंगी मैं, तो गहने भी लूंगी मैं। सिर्फ जो मेन करेक्टर है शो के अंदर ये बंदी, यही सिर्फ सोबर लगती है भाई कपड़ों के मामले में, उसके अलावा बाकी सारे तो ऐसे सजते हैं भाई शादी वाले कपड़े पहन के, बिल्कुल ही महंगे महंगे कुर्ते पहन के, महंगी महंगी साड़ियां पहन के, जैसे कि अभी मरेंगे अपने पड़ोस की शादी के अंदर। और फिर वहां पर बरातियों का खाना, शादी के घर के मेहमानों का खाना और आस पड़ोस के 10 गांव का खाना, ये खानदान अकेला निकल के आएगा इनका। और पिछले वीडियो में मैंने तुमसे कहा था ना कि भाई ये कोरोना वायरस तो सिर्फ बहाना है, भाई इनका मेन मुद्दा तो ये है कि भाई इंसाफ नेवले गेंडो को अपने घर की बहू बनाना है। इन लोग को इंसानों को नहीं बनाते ये लोग बहू अपनी, प्रोमो में दिखाते कि भाई नागिन लड़ने वाली कोरोना वायरस से, चिंगिस्तान के वायरस से लड़ेगी नागिन। मगर भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस एकता कपूर की हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर। इस बेचारी लड़की की, ये लड़की मेन करेक्टर है भाई शो की, 2-4 एपिसोड के अंदर ही भाई 3 बार शादी करवाने की कोशिश की भाई इस लड़की की, 3 बार 3 अलग अलग बंदों के साथ सेटिंग करवा दी भाई एकता कपूर ने इसकी, और एक अलग ही लव ट्रायंगल बना दिया भाई शो के अंदर, वो भी सिर्फ 2-4 एपिसोड में। भाई यही तो टैलेंट होता है ना भाई, तुम एकता कपूर का टैलेंट जानते नहीं, वो टैलेंटेड है वो। पहले इस नागिन का बॉयफ्रेंड ये बंदा होता है जो कि मतलब पता नहीं कैसा ही बॉयफ्रेंड है भाई, मतलब कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा उसको, फालतू में लड़ रहा है। एकता कपूर ने मतलब उसका स्टोरी वैसा बनाया कि भाई वो बहुत ही खराब बॉयफ्रेंड है। धीरे से बात करो, मेरी बात समझो, मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। और इसी बंदे के साथ नागिन की शादी होने वाली थी पहले, और फिर एंट्री होती है इस उजड़े चमन की, ये मगरमच्छ जैसा इंसान, ये एंट्री मारता है भाई इनके रिलेशनशिप में, तब लड़के को गाली देता है और लड़की को बोलता है कि भाई मैं तुझसे शादी करूंगा। ये फियांसे था ना, ऐसे टॉर्चर करता है आप, कुछ भी डिसाइड करने से पहले आप सोचना एक बार, सच अ स्वीट गर्ल, यू डिजर्व अ गुड गाय, चल निकल अंबुजा सीमेंट। मतलब भाई ये मगरमच्छ इतना आवारा कि भाई खुद की शादी हो रही है इसकी, खुद का घर बस रहा है इसका, मगर इसने खुद की शादी बर्बाद कर दी इससे शादी करने के लिए। शादी तो तब होगी ना जब ये मेरे फियांसे को शादी के लायक छोड़ेगी। ऐसा नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है तो ये सब सीन क्यों क्रिएट किया हा? मगर एक तो कपूर का शो है दोस्तों, ऐसे कैसे शादी हो जाएगी। ये मगरमच्छ हीरो तो है नहीं शो का, हीरो तो इसका बड़ा भाई है, और इसका बड़ा भाई तो भाई क्या नेक्स्ट लेवल पे चुतियापा कर रहा है, उसके बारे में बात करूंगा मैं। मगर अभी तीसरा मेंबर भी ऐड हो चुका है शादी करने के लिए, इसका बड़ा भाई भी शादी करना चाहता है नागिन से। इस मगरमच्छ का ये बड़ा भाई, जो कि बड़ा भाई कम लगता है, छोटा भाई ज्यादा लग रहा है, मेरा पास चले तो मैं तुमको कला घोट दूं। और अभी तुम एक और ट्विस्ट सुनो इसके अंदर कि भाई इन दोनों भाइयों की शादी हो रही थी 2 लड़कियों से, और इन दोनों बंदों ने भाई जब मतलब शादी के पूरे रीति रिवाज चल रहे तब तो मना नहीं किया, मगर शादी के मंडप पे आके स्कैम कर दिया भाई। और छोटा भाई जो कि भाई तू भले ही छोटा है मगर दिमाग तो है ना तेरे अंदर मगरमच्छ, मगर फिर भी ये भाई से अपने बड़े भाई की होने वाली बीवी के पास बैठ जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर लिया ऋषा? इस घर में शादी नहीं, मजाक हो रहा है, मजाक। हाँ मतलब एकता कपूर डायन कहेगी तेरे में दिमाग नहीं है क्या, मतलब तेरे को शादी करवानी थी भाई इन लोग की तो डायरेक्टली करवा दी होती। आप इसलिए बोलते थे ना कि प्रदा से शादी मत कर, क्योंकि आपको शादी करनी थी।
अब इनके घर के अंदर ऐसी बकचोदी हुई है जिसको देखने के बाद भाई सारे घर के बूढ़े बाड़े बोले कि भाई क्या हो रहा है, ये तुम्हारे अंदर कोई संस्कार संस्कार नहीं है, सालों घर की इमेज की ऐसी की तैसी कर दी यार तुम लोगों ने। मगर भाई ये तो नागिन सिक्स का परिवार है भाई, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बेबे आप बिल्कुल सही कह रही थी कि इस घर में कोई बुरा साया है, और खास करके शो की बेबे भाई इसने तो पक्का है ना कमलेश का सॉल्यूशन फूंक के रखा है भाई, उसके बाद ये शो के अंदर आई है। हे माता रानी, इस शुभ मुहूर्त पे इतना अपशगुन कैसे हो गया? अरे कोई इस बेबहे को घर पहुंचा दो, वरना जितनी सुस्ती यह लग रही है लगता है एक और अपशगुन हो जाएगा। इस घर में बुरा साया कोई और नहीं है बेबे। छोटा भाई मगरमच्छ जो कि अपने बड़े भाई के ऊपर बहुत गुस्सा है कि तूने मेरी पत्नी से शादी कैसे कर ली, जो कि भले किसी और की होने वाली पत्नी थी मगर तूने शादी कैसे कर ली। तो जहाँ पर इस बेबे को सपोर्ट करना चाहिए था कि यार मेरे छोटे वाले पोते के साथ बहुत बुरा हो गया यार, मगर ये क्या कर रही है तुम देखो। भाई ओके, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, तू अपने भाई को क्यों मार रहा है? तू पागल है क्या बुढ़िया, उसको जूते पड़ने चाहिए भाई, उसने इतना बड़ा स्कैम कर दिया, चार पांच जिंदगियां बर्बाद कर दी है और तू उसको सपोर्ट कर रही है। आज महाशिवरात्रि है, भगवान ने ये जोड़ी बनाई है जो हम तोड़ नहीं सकते हैं। हाँ जोड़ी बन गई, मगर सालों उस नागिन से तो पूछ लो यार एक बार, उसे किससे शादी करनी है? तुमने सबने अपनी अपनी चला दी, बट उस बंदी से तो पूछ लो यार बेचारी को, क्या पता उसको मेरे से शादी करनी हो। मतलब फिर भी पूछ तो लो यार उसे, कंस्टेंट नाम की कोई तो चीज होती है। निकल हाँ। और ये जो बड़ा भाई है ना, ये इंडियन आर्मी में काम करता है, अब इसके तो ना मैं मजे लूंगा। ये मगरमच्छ का बड़ा भाई मादा गोरिल्ला, ये इंडियन आर्मी ऑफिसर है, मगर इस चूतिए मादा गोरिल्ले को ये तक नहीं पता कि भाई देश को बचाने के लिए बॉर्डर पे जाना पड़ता है। इसको जब से मैं देख रहा हूँ भाई, तब से घर के अंदर पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, अपनी छोटे भाई की बीवी से शादी कर रहा है। तू मुझे मारना चाहता है ना, ले ले मार। इस घर में कोई बुरा साया है? धीरे से बात करो। और एक तक कपूर भाई तूने फौजी बनाया, तूने अपने मेन करेक्टर को तो भाई बाल पे तो ध्यान दे दिए होते, फौजियों के बाल ऐसे नहीं होते। मुझे ना तुम लोगों से रियलिज्म की थोड़ी सी उम्मीद नहीं है भाई, मगर थोड़ी सी कोशिश तो कल्ला करो यार मुझे गलत प्रूव करने में। अरे यार मतलब गूगल पे लिख दिया होता कि भाई इंडियन आर्मी के बाल कैसे होते, फिर कॉपी कर लेता यार उस हेयर स्टाइल को, मगर नहीं, ये चूतिया मादा गोरिल्ला भाई सब आर्मी कैंप के अंदर चश्मा पहन के घूम रहा है, ऐसे सनग्लासेस लगा के रखे हैं भाई इसने ऐसे। अगर ऐसे कोई असली फौजी चल जाता है ना भाई आर्मी कैंप के अंदर चश्मा पहन के, तो भाई इतने पनिशमेंट करवाएंगे उससे, इतना उठक बैठक करवाएंगे कि किसी ने सोची ना होगी। बड़े हल्के में ले रहे हो यार तुम लोग इंडियन आर्मी को। तुम कहीं मिस्टर गुजराल के पोते तो नहीं? यस, ऋषभ गुजराल, मेरे पापा का पोता और मेरा बेटा। आई एम प्राउड ऑफ हिम, ही इज जस्ट लाइक माय डैड। छोटी बच्ची हो क्या? मतलब ये आर्मी कैंप के इस मादे गोरिल्ले के घर से सिर्फ चार पांच कदम की दूरी पे बन के रखा है क्या, कि इसके खानदान वाले हर रिपब्लिक डे को फ्री का समोसा खाने के लिए इस आर्मी कैंप में पहुंच जाते हैं। बाप वहाँ पर आके ऐसी बकचोदी कर रहा है जैसे कि भाई साहब यही चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है। मेरा बस चले तो मैं तुमको कला घोट दूं। नाइस टू सी यू, सेम हियर, प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप। यस सर। और पीछे देखो वो उस नागिन का अजगर ऐसा बॉयफ्रेंड पीछे सुन रहा है भाई, जैसे कि सिक्योरिटी तो कुछ होती नहीं इंडियन आर्मी कैंप में, हम तो चूतिए मैनचोद, हमें हाथ है यार मैं मार दूंगा अपने आप को यार ये सब चीजें देखने से। अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना ही, होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, पसंद तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल के ऊपर नए हो और तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अगर तुम लड़के हो और तुम छोटे भाई हो तो तुम्हारी बीवी को बड़ा भाई लेके भाग जाएगा, तो वार्निंग दे रहा हूँ मैं तुम्हें, सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारे होने वाले पति का बड़ा भाई तुमसे शादी कर लेगा, तो सब्सक्राइब राइट नाउ कर देना।